Dear student, good afternoon. Student, in previous video we have discussed about the some of the topics of this chapter, and your chapter name is Understanding HTML. Now today we are continuing our next topic. Our today's topic is HTML editor. An HTML editor is required to create an HTML document. HTML editor का उपयोग HTML document बनाने के लिए किया जाता है. एन एच टी एम एल एडिटर इज़ ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेट इनेबल्स टू इजीली क्रिएट एच टी एम एल डॉक्यूमेंट. यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको आसानी से डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति देता है. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडिटर, WYSI WYG एडिटर एंड टेक्स्ट एडिटर. ये दो प्रकार के होते हैं, एक जो नेम है और दूसरा टेक्स्ट. WYSIWYG स्टैंड फॉर वट यू सी इज़ वट यू गेट, जिसकी फुल फॉर्म है एडिटर ए लेट यू क्रिएट वेब पेज विदाउट नोइंग हाउ टू राइट HTML कोड. इसकी मदद से आप बिना HTML कोड के ही अपना जो भी पेज है बना सकते हैं. दे हैव ग्राफिकल इंटरफेस एंड टूल टू डेवलप वेब पेज. इनमें ग्राफिकल टूल्स होते हैं पेज बनाने के लिए, लाइक एस इंसर्ट इमेज टेबल CTC. गूगल वेब डिज़ाइनर एंड एडोब ड्रीम व्यूअर आर द टू ऑफ द पॉपुलर बिग्स HTML एडिटर. ठीक है, गूगल वेब डिज़ाइनर और एडोब ड्रीम व्यूअर, ये दो ऐसे इसके बेस्ट एग्जांपल हैं. माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज विच वाज ए पॉपुलर WYSIWYG HTML एडिटर वंस हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज ये भी एक पॉपुलर था बट ये अभी डिसकंटिन्यू यानी कि यूज़ में नहीं है. द टू मेन एडवांटेज ऑफ विग्स सॉरी WYSIWYG वो WYSIWYG HTML एडिटर आर. वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड क्विकली, वेबसाइट आसानी से बन सकती है. नॉलेज ऑफ HTML टैग और कमांड इज नॉट रिक्वायर. HTML टैग और कमांड की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट कहते हैं टेक्स्ट एडिटर. यू कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट विद नोट पैड वर्ड पैड और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर. आप HTML के डॉक्यूमेंट को नोट पैड वर्ड पैड और किसी टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से बना सकते हैं, बट इन दिस केस यू नीड टू फैमिलियर विद HTML कोडिंग. लेकिन इसके लिए आपको HTML कोडिंग को याद करना है या जानना है. ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको इसमें लेना होता है HTML यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट का टाइटल. उसके बाद हेड, हेड में आपको उसके अंदर सब हेडिंग्स में लेना है टाइटल, टाइटल में जो आप इसका पेज का नेम रखना चाहें वो, उसके बाद इसको क्लोजिंग कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू.